22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तारतम्य में सतवास मार्ग स्थित श्री बालाजी एकेडमी में धूमधाम से राम उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने राम जन्म से लेकर रावण वध तथा राम भगवान के राज्याभिषेक तक की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक आशीष शर्मा तथा अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक सिंह ने भगवान श्री राम के चित्र पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया। विधायक आशीष शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या ही नहीं समूचे भारत राममय हो रहा है। हम सभी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रत्येक घर पर दीप लगाकर दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में खुशी है, समस्त सनातनियों में इस बात का प्रसन्नता है कि जिस राम जन्मभूमि का आंदोलन लगभग 500 वर्षों से चल रहा था उसे पूर्णता मिली है। उसे रामलला के भव्य मंदिर की स्थापना के रूप में कई पीढ़ियों तक जाना जाएगा। ये राम का देश है जहाँ राम के बिना किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मैं समस्त सनातनियों को, समस्त भारतवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ 22 तारीख के दिन पूरा देश राममय हो रहा है और इसलिए हम सब अपने घरों पर वही दीपावली मनाएं, वही प्रसन्नता मनाएं, वही आनंद की प्राप्ति करें जो अयोध्या में भगवान राम के आगमन के समय उपस्थित। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।